राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम रंगों की पहचान। एक बार तुम्हारे जैसे बच्चों ने मिलकर रावण बनाया, बहुत बड़ा रावण। असल में वे हर साल टोली बनाकर रामलीला खेला करते थे। एक बार बच्चों की एक टोली रामलीला खेलने में लगी थी और दूसरी टोली दशहरे के लिए रावण बनाने में। बच्चे सोच रहे थे, हम भी एक बहुत बड़ा रावण बनाएंगे। पांसों को छीलकर उसकी लकड़ियों को बांधकर उस पर कागज चिपकाएंगे और फिर उसमें ढेर सारे पटाखे भरेंगे और जब रावण जलेगा तब खूब मजा आएगा। बच्चों, रावण का पुतला तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए एक दिन में उसे पूरा नहीं बनाया जा सकता। उसे बनाने में कई दिन लगते हैं। कभी उसके हाथ तैयार हो जाते तो कभी पैर तो कभी सिर। कई दिनों के बाद वो रावण पूरा बन गया। रामू झट अपनी माँ के पास गया और बोला, मुझको जरा बता दो माँ, रावण अपना बना हुआ है, बस रंगों पर रुका हुआ है, कैसे होंगे उसके कपड़े, कैसा होगा उसका चेहरा, कैसी होंगी उसकी आंखें। माँ रामू की बात सुनकर हंसी और बोली, वो तो मैं तुझे सब बता दूंगी, पर पहले एक काम कर। वो बोला, अच्छा क्या काम है, जल्दी बताओ ना। माँ बोली, ये ले पैसे, कुछ बैंगन ले आ, टमाटर ले आ और मेरी पूजा के लिए थोड़े से गुलाब के फूल ले आ। और हाँ, तुझे तरबूज पसंद है ना, वो मिले तो वो भी ले आना। रामू ने झट से झोला उठाया और सामान लेने बाजार की ओर चल दिया। थोड़ी देर में वो सामान लेकर आ गया, पर माँ तो घर में दिखाई नहीं दी। वो पुकार कर कहने लगा, माँ कहाँ हो, मैं सामान ले आया। अच्छा ले आया, ये ले पकड़ अपने बाबा की 3 दवाते। रामू और उसकी माँ स्याही की दवाते लेकर बैठक के बाहर आ गए। तभी रामू बोला, अब तो मुझे बता दो माँ, कैसे रंग के कपड़े होंगे, कैसे रंग का चेहरा होगा, कैसे रंग की आंखें होंगी, कैसे रंग की मूंछें होंगी। माँ बोली, बताती हूँ, पहले ये बता कि बाजार से सामान लाया कि नहीं। रामू ने झटपट थैले में से सारा सामान निकाल दिया। क्या क्या चीजें निकाली? बैंगन, टमाटर और गुलाब के फूल। रामू बोला, अब तो बता दो, अब तो तुम्हारा सामान भी आ गया, वो तरबूज तो कहीं नहीं।
बोली? हाँ अभी बताती हूँ। लाई हूँ मैं 3 दवातें तेरे बाबा के कमरे से, काली नीली लाल दवातें तेरे बाबा के कमरे से। जैसे तू लाया है बैंगन, जैसे तू लाया है बैंगन, ऐसे रंग के होंगे कपड़े, ऐसे रंग के होंगे कपड़े। बच्चों, रामू को बैंगनी रंग के कपड़ों की बात समझ में आ गई। हाँ, वो बहुत खुश था। बोला, माँ अब ये बताओ रावण की आंखें कैसे रंग की बनेंगी? अरे रावण तो बहुत गुस्से वाला था, इसलिए उसकी आंखें होंगी लाल लाल टमाटर जैसी, कटा हुआ जैसे तरबूज। लाल लाल टमाटर जैसी, कटा हुआ जैसे तरबूज। भाई कटा हुआ जैसे तरबूज। माँ मैं समझ गया, आंखों का रंग होगा तरबूजी। अपने पास लाल स्याही तो है ही, लाल स्याही से बन जाएंगी रावण की लाल लाल तरबूजी आंखें। काली काली पलकें होंगी, काली काली पुतली होगी, काली काली मूछें होंगी, काले होंगे सारे बाल। बैंगन जैसे बैंगनी रंग के कपड़े बन गए, तरबूज जैसे रंग की लाल लाल तरबूजी आंखें बन गईं, और काले रंग के बनाए पलक, पुतली, मूंछ और सिर के बाल। अब रह गया रावण के बदन का रंग, ये होगा हल्का हल्का नीला नीला, आसमान सा नीला नीला, आसमान सा नीला नीला। अच्छा बच्चों, ये बताओ आसमान कैसे रंग का है? हाँ, हल्के हल्के नीले रंग का है ना? अब तुम कहोगे कि ये आसमानी रंग कैसे तैयार होगा? अरे भाई, हमारे पास नीली स्याही तो है ही, इसमें जरा पानी और मिला लो, बन जाएगा आसमानी रंग हल्का हल्का नीला नीला। ये आसमानी रंग लगेगा रावण के हाथ और पैरों पर। अब रामू ने माँ से पूछा, माँ रावण के 10 मुंह तो रह गए, उन पर कैसा रंग लगेगा? अरे तू गुलाब के फूल लाया है ना, बस इन फूलों के रंग जैसा ही रावण के 10 चेहरों का रंग होगा, हल्का लाल यानी गुलाबी रंग। माँ अब मैं समझ गया, गुलाब जैसा गुलाबी रंग। हमारे पास लाल दवात है ना, इसमें जरा सा पानी मिला दूंगा, तब हो जाएगा हल्का हल्का लाल यानी गुलाबी। फिर गुलाबी रंग से रावण के चेहरे बनाएंगे। अब क्या था, रामू भागा भागा अपने दोस्तों के पास गया और उनसे बोला, अरे दोस्तों मैं अपनी माँ से रंग बनाना सीख आया हूँ। बैंगनी होगा,
कपड़ों का रंग तरबूजी होगा, आंखों का रंग आसमानी, हाथ पैरों का रंग हल्का लाल गुलाबी, लेकर भर लेना चेहरों का रंग। ये होंगे रावण के रंग, ये होंगे रावण के रंग। अब रह गई थी रावण की तलवार और मुकुट। रामू के दोस्तों ने उन पर चांदी जैसी चमचमाती पन्नी चिपका दी। फिर भरे गए रावण के पुतले में खूब पटाखे और भूसा। अगले दिन रामलीला का आखिरी दिन था। सब जगह खूब रौनक थी। शाम को रावण के पुतले में आग लगी। आग लगते ही पटाखे छूटे। इसके बाद सब हंसी खुशी अपने अपने घरों को लौट गए।